वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं एक और ट्रिकी रिडल्स सॉल्व। मैं तो बहुत ही ऑसम हूँ इस गेम में, एज यू नो पहले कितनी बार सब जानते हैं, बिल्कुल रिडल्स में फेल होती है हर बार। यार ये मेरी बेइज्जती करने आते हैं। यार ये बात सच है, ऑब्वियसली ये आज प्रूफ हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको इस चैलेंज में साथ लेके आई हूँ, ताकि आज हम मिलके रिडल सॉल्व करें और देखें कौन ज्यादा स्मार्ट है। आपको कमेंट्स में बताना है हर्ष ज्यादा स्मार्ट है या मैं, और आपको हमारे साथ साथ ये गेम खेलना है और बताना है कि आप कितने गेस कर पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। विच बुलेट होल वॉज फर्स्ट मेड, मतलब पहला बुलेट होल कौन सा हुआ था, बता हर्ष। Three. यार मुझे लग रहा है सेकंड वाला अलग है, फर्स्ट और थर्ड तो एकदम सेम सेम से लग रहे हैं, और सेकंड वाले में बहुत सारे इम्पैक्ट ज्यादा है। इम्पैक्ट नहीं, पर मेरे को जो लग रहा है जो पहली बार लगा होगा तो कम इम्पैक्ट होगा। तो आई नंबर थ्री होना चाहिए। क्यों? छोटा है ना, इम्पैक्ट कम होना चाहिए, ऐसा नहीं। बाद में वो वॉल थोड़ी सी। ओ मैंने सोच लिया था, पता है टू पर मैंने थ्री क्यों बोला, क्योंकि मैंने टू बोल दिया ना, और जैसे ही मैंने टू बोला हर्ष ने थ्री बोल दिया, तूने वन बोला। मेरे सारे लॉजिक फेल हो जाते हैं जब ये बोलना शुरू करता है। ये तो तू पता है इलॉजिकल बातें करती है। एक्सक्यूज मी, हाँ क्या बढ़िया था गुरु। पांक, पांक। मैंने सबसे पहले टू बोला था, आप सबको पता है, आपने देखा था मैंने नंबर टू बोला था। सीरियसली बता रहा हूँ, एक दिन मैं तेरे पे डिस्ट्रैक्ट बनाऊंगी। डिस्ट्रैक्ट तो मैं तुझे करती नहीं, पर डिस्ट्रैक्ट जरूर बनाऊंगी। यार चल आगे चल। पांक, पांक। यो बॉय हर्ष को आती नहीं है ट्रिकी रिडल सॉल्व करनी, बिकॉज इसको 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 चुप इसको बिल्कुल चुप। अभी मैं सोच के अगली बार निकालूंगी, चलो आगे चलते हैं। सही आंसर दिया, बता इसके साथ क्या गलत है। What's इन्होंने wrong? उसको बांधा हुआ है, और उसके पीछे वो जो कर्व वाला खुला हुआ है वो कुछ ऑड लग रहा है मुझे, समझ सा नहीं आ रहा। बांधा क्यों है? हाँ वो पीछे वाले की कोई प्रॉब्लम थी, वो आगे होना चाहिए था, पानी निकलता है ना आगे से नोजल से। यार एक बात बोलूं, ये 7 सेकंड दे रहे हैं, 7 सेकंड में कितना डिफिकल्ट है यार। 7 सेकंड ना तो एक बार इमेज देखने में निकल जाता है, समझ आने में। कैसे कोई इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे दे, चलो देखते हैं इसमें। तो यही तो चैलेंज है। ओके इसमें बता क्या गलत है। गाड़ी आई थिंक गाड़ी पीछे होनी चाहिए क्योंकि उसकी रेड लाइट है, या आंटी ज़ेब्रा क्रॉसिंग में नहीं खड़ी। नहीं ऑब्वियसली रेड लाइट तो उधर की है, हर चीज ऑब्वियस नहीं होती है ना। देख उधर की भी रेड है, उधर की भी रेड है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ ऑनेस्टली, 7 सेकंड ओवर हो चुके हैं, लेट्स आंसर। रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। अरे तुझे कुछ पता नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, मुझे भी यही लग रहा है। नहीं ये रेड है, ये रेड है, दोनों रेड नहीं होने चाहिए थे। नहीं वहाँ पे रेड लाइट नीचे थी, वहाँ पे ऊपर थी। ओ सेकंड वाले पिलर के ऊपर रेड लाइट नीचे है, वो तो ऊपर होती है ना। आई मीन इस फर्स्ट वाले पे रेड लाइट हमेशा ऊपर होती है। पागल दोनों पे ही नीचे थी, दोनों पे ऊपर होनी चाहिए थी रेड लाइट। अरे कहना क्या चाहते हो, बात अंडे वाला बर्गर। पांक, पांक। ठीक है मुझे समझ नहीं आया, बट हम इसे पास कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग क्यों लगाना अपना। ओके इस क्रू के साथ क्या गलत है। ऊपर वो नहीं है इसके जिससे टाइट करना होता है, वहाँ पे कट होता है ना। हाँ तो वो कट दिख नहीं रहा होगा ना, वो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, 3D इमेज है, दिख रहा है सब, कट नहीं है उसपे। हाँ कट नहीं है एक्चुअल में हर्ष, तभी तो मैं तुझे लेके आती हूँ, सो स्मार्ट हर्ष, यू वेरी स्मार्ट। क्या ये दोनों फोटो सेम है? दिस इज द सेम फोटो, आई थिंक सो, ये सेम है। हाँ सेम है। लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा है ये पिज़्ज़ा, एंड हम लोग यहाँ गए हुए हैं, आई हैव सीन इट अप फ्रंट, बहुत ही मस्त लगता है। तो ये बस कैसे ही तो है, तो वो उसके ऊपर दिखा रहे हैं इम्पोज करके, एंड इट्स द सेम फोटो, हम दोनों ने सही गेस किया। ये बहुत ऑसम लगता है पर लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा। इज इट द सेम फोटो? आई थिंक लग तो सेम रही है यार, मुझे तो सेम लग रही है। नहीं, 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 नहीं। अच्छा आंसर देखने के बाद। नहीं 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 नहीं, मैंने सही बताया, इसका पॉइंट मुझे मिलता है हर्ष, तू हमेशा ऐसे करता है। ऑब्वियसली इट्स द सेम फोटो, उसके ऊपर इम्पोज हो गई। ओके ये यार ये कैसे बिल्डिंग कैसे काउंट करेंगे। अच्छा मैं बता रहा हूँ, दो सेम थी ना तो ये वाली सेम नहीं होगी। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि ये सेम नहीं। हाँ, है ऑब्वियसली जब वो इट्स नॉट द सेम, सिर्फ लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा होता है जो सेम होता है। ये भी सेम है यार, ये भी सेम है। ये हमारे साथ यहाँ पे मजाक कर रहे हैं, हमें हमारी सारी चीजें सेम सेम दिखा दिखा के। आप बताइए सेम है या नहीं। इसका स्काई अलग लग रहा है, कलर अलग है। स्काई का डिफरेंस नहीं है ये, स्काई इज ब्लू, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। सेम होगी और नहीं यार, ये डिफरेंट है। ये क्या हो रहा है, 100% ये डिफरेंट है, सब सेम है यार। ये ना हमें पागल बना रहे हैं यार, सेम है ना ये भी। हाँ हर्ष क्या तुम्हें फ्रूट गेस कर सकता है, ड्रैगन फ्रूट। नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन बनाना है ये, तेरे को ये भी नहीं पता।
वो उसके पीछे वो ड्रैगन फ्रूट जैसा पर्पल पर्पल कलर का लगा हुआ था। देख ले यार प्रेरणा, तूने रिडल देखी हुई है ना? नहीं यार, ये तो यार ये चीटिंग कर रहा है। ऑब्वियसली बनाना ऐसे ही होता है। हाँ तो अजीब सा लग रहा था। अच्छा, कच्चा केला मुझे मैंने कभी ऐसे देखा नहीं। अच्छा वहाँ देखा ना केरला में कितने सारे पेड़ पे टंगे हुए थे? हाँ पेड़ पे टंगे हुए थे हर सब, मुझे याद नहीं है पर प्यारी समझ गई। ये नेक्स्ट वाला बता, पम्पकिन लग रहे हैं भाई ये? काजू होते हैं, ऐसे उगते हैं, मतलब कैश्यूज। यार इसको कोई फ्रूट मार्केट में लेके जाओ, ये भी इसको इतनी नॉलेज है, इतना तो है, इसको इतनी नॉलेज है। देख ले कैश्यू। यार मैं बता रही हूँ। क्या बता रही है? हम दोनों मिलके फ्रूट का एक स्टॉल लगाते हैं। हाँ, जिसमें तू बर्बाद कर देगी सब कुछ। है गजब बेइज्जती है। ये बता क्या है? ये वो पपाया जो तू रोज खाती है? पपाया, पपाया। आई नो, फॉर वंस आई नो कि ये पपाया है। पक्का पपाया है। कोकोआ? कोकोआ ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इसका मुझे भी नहीं पता था। ये ड्रैग आम है? नहीं आम है, आम ऐसे नहीं उगते इतने सारे। मैंगो है ये? यार ये कुछ और है। यार ये मैंगो है, मैंगो ऐसे ही होते हैं। पिस्ता? पिस्ताशियोस? I can't believe it. अब मुझे पर्सनली देखना है कि पिस्ताशियोस कैसे उगते हैं। जाना पड़ेगा। पत्ता कैबेज? कैबेज, पत्ता गोभी कैबेज। पक्का ना? कैबेज। स्प्राउट्स? स्प्राउट्स। यार ये पता है ये सब यहाँ उगते हैं। यार ये इंडिया में बड़ी चीटिंग है हमारे साथ। ये भी फूड है? ये तो फ्लावर लगाया हुआ है। फ्लावर में से फूड कौन सा आता है यार? मैं बता रहा हूं, कोई ड्राई फ्रूट होगा, कोई भी रैंडम ना। आलमंड्स? बेरीज। आलमंड्स, बेरीज, सैफ्रन, केसर। अबे यार ये हमारे साथ गेम खेल रहे हैं, सच में ट्रिकी है यार ये बहुत। ये तो आम, ये मैंगो है फॉर श्योर। ये तो हमारे आम है। इफ दिस इज नॉट मैंगो, हर्ष अपने बाल कटवा लेगा सारे। क्यों कटवा लूंगा? मैंने बोल दिया बस। ऐसा कुछ नहीं है, मैंगो कीवी है, मैंने कहा था कीवी है। अब इसे अपने बाल कटवाने पड़ेंगे। मैं कटवाऊंगा, थोड़े बहुत छोटे करवाऊंगा। शिट, मुझे बोलने से गंजा हो जाएगा। ये मुझे पता है, बादाम। बादाम, 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 पक्का बादाम है ये। खा ले, हमने दिमाग तेज हो जाता है। ये हमने पेड़ से तोड़ के खाए हुए हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने बहुत बादाम खाए हैं। I'm on a sugar crush, I'm on a sugar crush। गाना भूल गई मैं। चलो चलो चलो। Which 11 discoveries changed the world? मुझे क्या पता? मतलब मुझे क्या पता इसका मतलब क्या है? मेरे को पता ही नहीं है। फायर, फायर थी तभी तो वो उसने जला के देखा ना, आग लगा के। 5000 BC में कौन सी डिस्कवरी थी जिसने दुनिया को? क्या बात कर रही है, कैसे पता होगा ये हमें? हमें कैसे पता होगा? आग, पानी, हमें नहीं पता। व्हील? भाई मेरे को पता ही नहीं है कौन सी डिस्कवरी ने क्या किया था। कैन यू स्पॉट द फेक? प्रेरणा तेरे लिए बहुत जरूरी है। शनैल के बैग्स है। हाँ। और आई थिंक फेक कौन सा है? सेकंड वाला फेक, ऊपर वाला फेक है। फर्स्ट इज ओरिजिनल, ब्लैक इज फेक। तेरे को कुछ पता ही नहीं यार। अब मैं ना तेरे को ऐसे ही करूंगा, तेरे को बैग चाहिए था ना शनैल का। ये ऊपर वाला ला के दूंगा तेरे को। नीचे वाला तो फेक है, नीचे वाला फेक है ना। पर तुझे पता कैसे लगा कि वो फेक है? अबे यार तेरे को सिंबल नहीं पता शनैल का? हाँ तो दोनों का सेम ही तो है। अच्छा सेम ही है, ये कोई भी लॉजिक लगा रहा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, फेक है, फर्स्ट वाला फेक। चल ठीक है ना, मेरा सही है ना, बस बात खत्म। बता शूज कौन से? मुझे ब्रांड ही नहीं पता कौन सा है ये, बट ऐसी देख के बता दो ना यार। अच्छा ये वो है ना UGG, क्या बोलते हैं इसको, जो भी ऊपर वाला फेक, नीचे वाला फेक। झूठा एक नंबर का यार, क्योंकि मैं बता नहीं पा रही कि ये रियल और फेक कौन से है ना। मैं आई डोंट डिजर्व अग्स, मुझे लेने ही नहीं चाहिए। Can you spot the fake? कौन सी fake watch है? यार ये है कौन सी? Rolex है। ये तो तुझे पता होना चाहिए। क्यों मैं पहनता हूँ? राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला। ना राडो की घड़ी है ना परफ्यूम। पप्पू कांट स्पॉट साला। पंक पंक बता ना। तू बता, मुझे नहीं पता। आई थिंक फर्स्ट इज, सेकंड इज फेक। फर्स्ट इज फेक देन। फर्स्ट क्लासी लग रहा है यार। फर्स्ट इज फेक यार, मेरे तुक्के चल रहे हैं। वाह यार, बट एक्चुअल में रियलिटी तो यही है ना कि हम में से किसी को भी नहीं पता कि रियल कौन सा और फेक। यार हम ना वही सही है, नकली सही है हमारे लिए, हमें नहीं चाहिए असली वाला। सेकंड वाला ओरिजिनल है। ये तो तेरे पास है आई थिंक। आई थिंक सेकंड वाला ओरिजिनल है। यार एक भी सही नहीं बोला मैंने। मेरी कितनी बेइज्जती हो रही है यार, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है सच में। इट्स इंसल्टिंग फॉर मी। कॉनवर्स बता, ये तो तू बता। मैं कह रही हूँ फेक होंगे। और क्या? व्हाइट वाले फेक है। फेक, यस, पहली बार मेरा तुक्का सही काम कर गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा था और फेक कौन सा था। रीजन भी क्या दे रहे हैं यार। ये कौन सा बैग है? एलवी लग रहा है, पता नहीं। एलवी का बैग है। आई थिंक फर्स्ट इज फेक, सेकंड ओरिजिनल है। फर्स्ट इज फेक, आई न्यू इट। अब तेरे तुक्के लग रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे एलवी का थोड़ा सा आइडिया था, यू नो।
फर्स्ट वाली फेक लग रही है मुझे, सेकंड वाली तो बहुत ही ऑसम मैनिक्विन लग रही है दोनों एक्चुअल में. मैंने कहा था फर्स्ट वाली फेक है. अभी मेरे सारे तुक्के काम आ रहे हैं. चीप मटेरियल इज मोर शाइनी, ये सच बात है, बट हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. कैन यू स्पॉट हर्ष कौन सी फेक है यार? दोनों जीन्स है, कोई भी पहन लो, फेक थोड़ी है. पता नहीं ये जो डिजाइन बना हुआ पॉकेट पे, ये फेक है. हाँ सेकंड फेक है, बिल्कुल सही भाई. हमारे दोनों के तुक्के काफी काम आ रहे हैं. चलो चलो लेट इट कम, अभी हमें मजा आ रहा है क्योंकि हम जीत रहे हैं. फर्स्ट इज ओरिजिनल लुई बिटॉन के शूज हैं ये, एंड आई थिंक नीचे रेड वाला उनका सिग्नेचर है, तो तुझे मुझे लुई बिटॉन्स लेके देने चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है, क्या मैंने गेस करा है यार. हाँ बस ये कौन कौन कहता है हर्ष को मुझे एलबी लेके देने चाहिए? कोई नहीं कहता. पांक, पांक. किसको तू बचाना चाहेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? फैमिली बेस्ट फ्रेंड लवर $1 million. मैं किसी को भी नहीं बचाना चाहती, मैं सबको बचाना चाहती, मैं खुद डूब जाऊंगी. मैं इसका आंसर नहीं कर सकती, आई एम सॉरी. ये खुद भी नहीं बताएंगे इसका आंसर. एग्जैक्टली, ये खुद भी नहीं बताएंगे इसका आंसर. बट फिर भी किसको चुनेगी? किसी को भी नहीं, आई कांट चूज, इट्स अ टफ चॉइस. फैमिली को चुन लो, वही बेस्ट फ्रेंड भी होगा उनमें, कोई लवर भी फैमिली का पार्ट ही हो जाता है. क्या लगता है तुझे बताएंगे आंसर? देख ले, फैमिली, बेस्ट फ्रेंड, लवर, $1 million को बाय बाय कर दिया. उसने ये नहीं बोला कि तुम किन किन को बचाओगे, उन्होंने पूछा है पहले किसको बचाओगे. तो फैमिली, बेस्ट फ्रेंड, लवर एंड एंड में मनी, बाय बाय. इसी के साथ खत्म करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को. आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो. इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और अगर आप चाहते हो कि हम इसका सेकंड पार्ट करें, आई मीन हर्ष के साथ में इसका सेकंड पार्ट करें, तो डोंट फॉरगेट टू टेल अस इन द कमेंट्स. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.